जेल थीफ एस्केप। बिराजपुर नाम के गांव में एक नया जेल शुरू हुआ था और उसमें जेलर के तौर पर गब्बर नाम के ऑफिसर को रखे थे। एक दिन जेल के सारे कैदी को बुलाकर गब्बर, रे चोर कही के मेरा नाम गब्बर है, मुझसे पंगा लोगे तो तुम्हें रबर की तरह खींचूंगा। एक और बात, कम से कम कोई भी आने जाने का भी सुविधाएं नहीं मिलने वाले इस गांव में जेल क्यों बनाए हैं जानते हो? तुम सब मुझसे डरकर अच्छे लोग में बदल जाओगे, इसलिए समझे, कोई अगर अच्छे लोग में नहीं बदले तो तुम्हारी खैर नहीं, कहकर वहाँ से चले गया। वो देखकर वहाँ मौजूद सेंट्री किरण से दिनेश नाम का कैदी, क्या भाई आपका जेलर तो बड़ा बिल्डअप दे रहा है, कहीं सच में हमें बदलने के लिए यहाँ लेकर आए हैं क्या? किरण, क्या उनके बातों पर यकीन कर लिए? सब ढींगे हैं। देखो यहाँ मौजूद सब बहुत खूनखार चोर ही है, तुम लोग गांव में रहोगे तो गांव वालों को खतरा हो सकता है सोचकर इतनी दूर लाकर छोड़ दिए हैं। साथ ही साथ हमारे जेलर भी जब सीआई थे तो खूब पैसे खाते थे, इसलिए उन्हें भी तुम्हारी तरह खैदी के रूप में लाकर यहाँ छोड़ दिए। खूब घूस खाया था ना, इसलिए वापस जाने के लिए तुम लोगों में बदलाव लाकर जरा शो ऑफ करके फिर पुरानी ड्यूटी पर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, बस, कहकर वहां से चले गया। फिर अगले दिन जेलर के पास दिनेश आया। अब जेलर से दिनेश, सर नमस्ते। सर, सर रात को मुझे एक सपना आया था। सर, सर मैं इस जेल में से बचकर भाग निकला है। सर, सीधा आपके घर जाकर आपके घर का सीलिंग को तोड़कर उसमें छुपाया सोने का बिस्किट्स को लेकर अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहा था। सर, यूं कहा वो सुनकर मन में जेलर, बाप रे ये क्या है, सपना में है कहकर सच में मेरा सोने का बिस्किट्स पर नजर डाला है क्या? लेकिन इसने तो सीलिंग कहा, मैंने तो कहीं और छुपाया है ना, बाप रे इससे जरा बच के रहना होगा। सोचकर फिर दिनेश से गब्बर, क्या बात कर रहे हो रे, सोने के बिस्किट्स क्या है, मेरे जैसे ईमानदार इंसान के साथ खेल खेल रहे हो क्या? देखते रहो, तुम मेरे जैसे का अपमान किया तो तुम्हें एक महीना सेल से बाहर आने भी नहीं दूंगा, कहकर सेंट्री को बुलाकर दिनेश को सेल में डलवा दिया। वही नहीं, उसके सेल के पास एक पुलिस को भी निगरानी के लिए रखा। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक रात दिनेश अपने पास जो वस्तुएं थी उसे सेल को कट करके वहां से सेंट्री को चकमा देकर वहां से भाग निकला। सेंट्री जाकर देखा कि सेल को काटा हुआ था तो भागकर गब्बर को ये बात बताया। इतने में अपने फोन के साथ गब्बर के पास आया किरण, सर दिनेश ने फोन किया है, सर आपसे बात करना चाहता है, आप कुछ भी करके उसे पकड़िए सर, वरना हम सबकी नौकरियां चले जाएंगे सर, कहते हुए फोन दिया। अब गब्बर से फोन पर दिनेश, क्यों सर मेरा सपना कहां सच हो जाएगा सोचकर डरते हुए मेरे पास ही पुलिस को रखकर मेरा ईगो को हट किया, अभी जा रहा हूँ तुम्हारे घर ऑन द वे। एक बात बोलना भूल गया, मेरे सपने में तुम्हारा घर नहीं तुम्हारे मम्मी पापा का रहने वाले घर आया है, वो सीलिंग को खड्डा करने वाला हूँ अब जाकर, यूं कहा गब्बर। अरे प्लीज रे वहाँ मत जाओ रे, मेरे मम्मी पापा को ये बात नहीं पता है, तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, चाहे तो तुम्हें 10 सोने का बिस्किट्स देता हूँ, प्लीज आ जाओ रे। रे अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो किरण को अभी बिस्किट देकर भेजता हूँ, तुम कहाँ हो बोलो रे, कहकर घबराते हुए अपने डेस्क के नीचे अंडरग्राउंड से सूटकेस निकालकर गोल्ड बिस्किट बाहर निकाला। वो देखकर किरण दंग रह गया था। इतने में वहाँ कुछ ऑफिसर्स के साथ दिनेश आया। अब उन्हें देखकर दिनेश, ऑफिसर्स इस कमीने को अरेस्ट करो, ईमानदारी से ड्यूटी नहीं किया और बेईमानी करने के लिए, यूं कहा वो देखकर गब्बर। सर आप ऑफिसर है, सर चाहिए तो वो सूटकेस लेकर मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। दिनेश, तुम्हें शर्म नहीं है, पकड़े गए तो मुझे ही घूस देने के लिए सोच रहे हो कमीने, रुको तुम भी अब दंड के लिए इस जेल में ही रहो कैदी के रूप में, कहकर वो खुद गब्बर को अरेस्ट किया। वो देखकर वहाँ मौजूद कैदी मिलकर तालियां बजाए।